नमस्कार, टेक्सटाइल टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिना। शुरुआत करते हैं दिन भर की बड़ी और अहम खबरों से। मोदी कैबिनेट विस्तार लाइव। शपथ से पहले प्रधानमंत्री ने नए मंत्रियों के साथ बैठक की। अब तक हर्षवर्धन निशंक समेत 11 मंत्रियों का इस्तीफा। नहीं रहे दिलीप कुमार, सीएम उद्धव ठाकरे, एनसीपी चीफ शरद पवार और शाहरुख खान अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। मंत्रियों के शपथ का सर्वार्थ सिद्धि योग। मोदी का चैलेंज गवर्नेंस, क्वालिटी सुधारना, महामारी इकोनॉमी का बेहतर मैनेजमेंट, कैबिनेट विस्तार की 5 बड़ी वजह। पायलट गुट के विधायक, कांग्रेस एमएलए सोलंकी बोले, अपने हक की आवाज उठाने के लिए दिल्ली और मानेसर जाना आत्महत्या है तो हम बार बार करेंगे। राजस्थान में पर्यटकों की बेरुखी से एयरपोर्ट पर सन्नाटा। 14 राज्यों में आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना जरूरी नहीं, लेकिन राजस्थान में महज औपचारिकता रोक रही पर्यटक। एंटी नेशनल एक्टिविटी से जुड़ा युवक गिरफ्तार। टेलीग्राम पर इस्लामिक मीडिया नाम से ग्रुप बनाकर आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद, अलकायदा व आईएसआईएस का प्रचार करता था। स्कूल अनलॉक की तैयारी। राजस्थान में 15 जुलाई से 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खोलने की तैयारी। आज कैबिनेट के बैठक में होगा फैसला। भाजपा पार्षद के पति ने धमकाकर मांगे 50 लाख। रुतबा दिखाकर पीड़ित की पुश्तैनी जमीन का काम रुकवाया, 2 लाख लेते 2 दलाल गिरफ्तार, मुख्य आरोपी फरार। जयपुर एयरपोर्ट पर 9 लाख रुपए का सोना पकड़ा। वैक्यूम क्लीनर व इलेक्ट्रिक बर्नर में छिपाकर 408 ग्राम सोना लाया। शाहजहां ने आई एयर अरेबिया के फ्लाइट में यात्री की तलाशी के दौरान खुलासा। मोदी कैबिनेट विस्तार से पहले उठा पटक। सिंधिया के साथ टीकमगढ़ सांसद वीरेंद्र खटीक का भी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव। विनव सहस्त्रबुद्धे को भी दिल्ली बुलाया। ऑनलाइन फ्रॉड की नई गैंग लिंक पाकिस्तान तक। सोशल मीडिया पर दोस्ती कर एमपी के युवा कारोबार को फंसा रही विदेशी लड़कियां। अवैध है नर्सों की हड़ताल। जबलपुर हाई कोर्ट ने कहा कल से ही काम पर लौटो। सरकार को हाई लेवल कमेटी बनाकर मांगों के समाधान का आदेश भी दिया। हत्या के शक में पेट से बांध कर पीटा। भूरा के पास 50 से ज्यादा लोगों ने युवक को लात, घूंसे और डंडों से मार मार कर अधमरा किया। भोपाल में 35 लाख की लेस कार चोरी। इंद्रपुरी इलाके के सिक्योरिटी फीचर्स डिकोड कर 10 मिनट में ले गए ऑटोमेटिक फॉर्च्यूनर। अम्बाह में 5 साल के बच्चे की हत्या का मामला। आधार कार्ड में 2007 और स्कूल में 2005 दर्ज है आरोपी की जन्मतिथि। व्यस्त अपराधी की तरह चलेगा केस। लोगों ने ज्ञापन देकर कहा फांसी हो। क्राइम पेट्रोल देखकर रची साजिश। ग्वालियर में शराब ठेकेदार के बेटे ने दुश्मनों को फंसाने के लिए खुद पर चलवाई गोलियां। फायरिंग करने वाले दोस्त ने खोली पोल। सॉफ्टवेयर इंजीनियर निकला ठग। उज्जैन सहित देश भर में नौकरी व प्यार का झांसा देकर युवतियों को ठगा। ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया तो मिली नोएडा की लोकेशन। गिरफ्तार। पीएम मोदी की नई टीम का डीएनए टेस्ट। सबसे युवा कैबिनेट, औसत उम्र 58 साल, डॉक्टर, इंजीनियर और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी और संचार पूर्व सीएम भी शामिल। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली हिंसा का मामला। मानवाधिकारों ने हनन की जांच। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए किसानों के परिवारों से मिलने पहुंची विधानसभा कमेटी। बटाला में दर्दनाक हादसा। रॉन्ग साइड से आ रही कार की टक्कर। स्कूटी सवार युवक की मौत। अस्पताल में बीमार मां के पास से लौट रहा था 5 बहनों का इकलौता भाई। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स। नमस्कार।